आए दिन घटना हो रहा है यहाँ पे, प्रशासन चुप्पी साधी हुई है, इसका कोई वो नहीं है। तमनार से रायगढ़ जाने वाली रोड बहुत खराब स्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के हजारों लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोड बना हुआ है वो बहुत ही खराब हो चुका है, उसमें बहुत सारे उबड़ खाबड़ बने हुए हैं, बहुत गड्ढा है। वहाँ तमनार जाना और रायगढ़ जाना बहुत समस्या हो गया है। यह रोड, ये जितने भी कंपनियां हैं उसमें बहुत सारे ट्रक डंपर वगैरह बहुत जाते हैं, हैवी मटेरियल उसमें जाते हैं, इसलिए यह जल्दी ख़राब हो गया है। ये रात को किसी डंपर ने शायद अपने गांव का एक आदमी का एक्सीडेंट कर गया, इसी कारण ये चक्का जाम किए हैं। यह आए दिन बहुत ही एक्सीडेंट हो रहा है, इसी के कारण शासन को थोड़ा सा सचेत करेंगे कि यहाँ किस नियम और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। ये चाहते हैं कि यह रोड सुधर जाए और हम अच्छी तरह आ जा सकें और हमें समय का बचत हो सके। इस रोड की स्थिति बद से बदतर होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पूरे गांव वालों की है। इस समस्या को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया। इस वीडियो को बनाते समय गाँव वालों की मदद से एवं कैमरे के डर से आज रोड की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी रोड की हालत तो बहुत ही अच्छी है, पहले रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन आज के डेट में रोड बहुत ही अच्छा हो गया है, जिससे जनता को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं उठाना पड़ रहा है। हम बहुत खुश हैं हमारे गांव के इस रोड को बनाने में, हमारा ग्राम ग्रवानी और तराईमल के जनता का पूरा सहयोग है, जिन्होंने कंपनी वाले तथा अधिकारियों पर दबाव डाल के इस रोड को बनाने का काम पूरा किया है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो रिपोर्टर राजेश गुप्ता जी हैं, जो सरायपाली से हैं। बहुत सारे हम लोग आवेदन दिए ये कंपनियाँ को और जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसको भी आवेदन दिए, पर उसका निराकरण नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसका निराकरण हो गया है, जो हमारे समुदाय और हमारे ये वीडियो वॉलंटियर राजेश गुप्ता की सहायता से यह सुधार हो गया है। वीडियो वॉलंटियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ ही सहयोग देने वाले गांव गेरवानी एवं तरेमाल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।